तो हाय गाइज, आज हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी A30s। आज मैं आपको इस वीडियो में इसके कैमरा में जो फीचर्स दिए हुए हैं वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप कौन सा फीचर यूज़ में ले सकते हो और कौन कौन से फीचर किस तरीके से काम में आते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैमरा जो UI है वो ओपन कर लिया है। यहाँ पे दो आइकन्स दिए हुए हैं। सबसे पहला जो आइकन है वो वाइड एंगल के लिए है। अगर आप इसे क्लिक करते हो तो वाइड एंगल शो कर देगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो मेन कैमरा का सेंसर वर्क करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। वाइड एंगल में अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि A30 लिखा हुआ दिख रहा है आपको, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो केवल 30 लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा है। ये जो चीज़ दी हुई है वो सीन ऑप्टिमाइज़र के लिए है, मतलब AI अगर इंटरनेट वर्क कर रहा है आपका तो AI के ज़रिए बता देगा कि कौन सी किस चीज़ की फ़ोटो यहाँ पर ली गई है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। वीडियो मोड में जाते हो तो यहाँ पे भी आप वाइड एंगल में वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हो और वाइड एंगल के विदाउट भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे आप जो इसकी रेजोल्यूशन है वो भी चेंज कर सकते हो कि 960 फुल रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड करना है, या फिर 1:1 में वीडियो रिकॉर्ड करना है, या फिर आपको 9:16 में वीडियो रिकॉर्ड करना है। स्लो मोशन का फीचर यह दिया हुआ है यहाँ, जो कि स्लो मोशन में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। हालांकि सुपर स्लो मोशन का ऑप्शन इसमें नहीं देखने को मिलेगा आपको। और लाइव फोकस का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आप ब्लर वगैरह, बैकग्राउंड ब्लर वगैरह आप यूज़ में ले सकते हो। अगर पोर्ट्रेट वगैरह ले रहे हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। प्रो मोड दिया हुआ है। प्रो मोड में आप ISO, वाइट बैलेंस और काफ़ी हद तक सारी चीज़ें जो है वो एडजस्ट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली अपनी नाइट में फ़ोटो ले सकते हो। पैनोरामा का मोड दिया हुआ है। उसमें ये होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर करता हूँ पैनोरामा में, तो यहाँ पे काफ़ी लंबी चौड़ी फ़ोटो यहाँ पे मैं कैप्चर कर सकता हूँ, और यहाँ आपको मैं शो करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी पूरी टेबल की फ़ोटो ये आ चुकी है। तो इस तरीके से आप पैनोरामा में काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। वाइड एंगल में पैनोरामा वर्क करता है और विदाउट वाइड एंगल ही पैनोरामा वर्क करता है। एक स्पेशल फोटोग्राफी का लिए यहाँ पे एक फीचर दिया हुआ है, फूड फोटोग्राफी का फीचर दिया हुआ है। तो इसमें आप फूड वगैरह की फोटोग्राफी आप करना चाहते हो तो यहाँ पर अगर आप रखते हो फूड वगैरह, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी फ़ोटो आप कैप्चर कर सकते हो। और यहाँ पर आप चलें सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स के बारे में आपको बता दूँ। फ़ोटो में यहाँ पर सबसे ऊपर जो फीचर दिया हुआ है वो ये सेल्फ टाइमर का फीचर है। मतलब अगर आप मान लीजिए फ़ोन को कहीं रखते हो तो इस फीचर को इनेबल कर सकते हो 5 सेकंड के अंदर। जैसे 2 सेकंड मैंने इनेबल की तो 2 सेकंड के अंदर फ़ोटो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप फ्लैश ऑन ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ से ऑन और ऑफ फ्लैश कर सकते हो, जो कि ऑटो मोड में भी हो जाएगी। और ब्यूटिफिकेशन मोड का फीचर यहाँ पर दिया हुआ है। ब्यूटिफिकेशन अगर आप ऑन करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप चलें सेटिंग में, तो सेटिंग में आपको सीन ऑप्टिमाइजर का ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर आप यहाँ से इस बटन को कैप्चर करते हो तो बर्स्ट मोड और टेक ए पिक्चर मोड भी दिया हुआ है। फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो इसमें आप 4K वगैरह में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, दोनों कैमरा से, फ्रंट और बैक से। हाई एफिशिएंसी वीडियो अगर आप ऑन करते हो तो इसमें थोड़ी हाई क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। HDR का मोड यहाँ पे दिया हुआ है। HDR अगर आप इनेबल करते हो तो हाई डायनेमिक रेंज में आपकी फ़ोटो थोड़े अच्छे कलर वगैरह आएंगे। लोकेशन वगैरह आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। कैमरा मोड्स को आप अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कस्टमाइज़ करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए फूड फूड का ऑप्शन सबसे पहले आए तो वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। शूटिंग मेथड भी यहाँ पर दिए हुए हैं कि वॉल्यूम किसे क्या होगा, और शटर बटन को आप अप एंड डाउन भी कर सकते हो। अगर आप फ़ोन में हाथ को यूँ करते हो तो आपकी फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी, वो भी मोड यहाँ पर दिया हुआ है। वाटरमार्क का फीचर भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। सैमसंग A30s का वाटरमार्क आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पे मैं मेरा नाम भी लिख सकता हूँ, कि यहाँ पे नाम भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे जो भी फ़ोटो कैप्चर होगी उसमें नाम लिखा हुआ आएगा। जैसे मैं कैप्चर करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो कि सैमसंग गैलेक्सी A30s से फ़ोटो खींची हुई है और शुभम का नाम आ रहा है। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर वीडियो मोड में चलें तो वही कुछ फीचर्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। और कुछ और फीचर्स स्लो मोशन में चलते हैं, तो स्लो मोशन में भी ये दिया हुआ है फ्लैश ऑन ऑफ का फीचर। वीडियो में आपको मैंने बता दिया है कि वीडियो आप फ्लैश या फिर ब्यूटिफिकेशन भी वीडियो में ऑन कर सकते हो। लाइव फोकस में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर वही सेम फीचर दिए हुए हैं। AR इमोजी का फीचर भी यहाँ पर दिया हुआ है। AR इमोजी वगैरह आप अगर आप वीडियो वगैरह बनाते हो तो AR इमोजी का उपयोग करके यहाँ पर बना सकते हो। AR इमोजी यहाँ पर अगर आप देखते हो तो फाइंड ए फेस के लिए कह रहा है, और ये फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर हो गई है। और ये आप इस तरीके से इसमें AR है वो भी चेंज कर सकते हो, मतलब फ़ोटोज़ में कुछ जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक किया मैंने,
अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से AR है वो आप इनेबल कर सकते हो। अब देखिए मैंने ये फ़ोटो कैप्चर की, तो इस तरीके से आप AR का फ़ायदा उठा सकते हो इस फ़ोन में। सो सारे फीचर्स मैंने आपको डेफिनेटली बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।